हर अपने इस आयोजन में, अपने इस आयाम में, अपने इस कार्य में मैं आज बैठा हूँ श्रीमती आरती शर्मा जी के साथ कुदरिया में। और श्रीमती आरती शर्मा जी जो हैं वर्तमान में भाजपा ग्रामीण जिला इंदौर की अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा में बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और महिला मोर्चा को आगे बढ़ाना, काम करना, महिलाओं के साथ काम करना, जुड़ के रहना और महिलाओं को मुख्य धारा में लाना इनका पहला लक्ष्य और पहला उद्देश्य है। आइए जानते हैं श्रीमती आरती जी के अपने विचार समाज के लिए, अपने विचार महिलाओं के लिए। नर्मदे हर भाभी जी, मैं छोटा सा परिचय आपके बारे में दिया हूँ। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं राजनीति में, समाज सेवा में। शुरुआत करते हैं आपके परिचय से, आप अपना परिचय दें पहले। नर्मदे हर, माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं नर्मदी ब्राह्मण समाज से, श्रीमती आरती शर्मा, मूल निवासी कोदरिया। मैंने अपना राजनीतिक जीवन एक पंच से चालू किया था। मैं सबसे पहले अपने वार्ड की पंच चुनी गई थी। अच्छी वोटिंग मेरे लिए हुई थी और बगैर विरोध के मैंने पंच में, पंचायत में प्रवेश किया था पंच के रूप में। 5 साल जब मैंने पंच के रूप में काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम किसी का एक काम भी करते हैं वो हमें धन्यवाद दे के जाता है, तो वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके साथ में ही अगली बार सामान्य महिला की सीट आई सरपंच की। पूरे गांव से सर्वसम्मति से मेरा नाम आया कि आरती दीदी को चुनाव लड़ाया जाए और अच्छी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, बहनों ने, समाज के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया और मेरे साथ मेहनत की और मैं ग्राम पंचायत कोदरिया की सरपंच बनी। मैंने अपने सरपंच के कार्यकाल में अपने गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, निर्मल गांव पंचायत बनाई जिसका पुरस्कार प्रतिभा पाटिल जी के हाथों हमें मिला। सीएम शिवराज सिंह जी चौहान ने हमें पुरस्कृत किया और मेरा गांव करीब 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होने के साथ यहाँ पर साथ ही बहुत ही शिक्षित और जागृत गांव होने के कारण हमें यह कार्य करने में बहुत मजा आया। निर्मल गांव बनाने के लिए आपने कौन कौन से कार्य किए? क्या यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े हैं या ग्राम में स्वच्छता अभियान चलाया? हमने स्वच्छता के माध्यम से स्कूल, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल और जो ग्रामीण एरिया है हमारा, उसमें सफाई के माध्यम से नालियों का निर्माण। और पहला निर्मल गांव का उद्देश्य यह था कि शौचालय घर घर में रहे, हर घर में हमने शौचालय बनवाए। उस समय मैंने 545 के आसपास शौचालय गरीब परिवारों में बनवाए थे। बहुत बढ़िया, मतलब मोदी जी के काम करने से पहले आपने हाँ, स्वच्छता अभियान यहाँ शुरू कर दिया था और इसलिए हमने इसको निर्मल ग्राम भी बनाया है। कोदरिया ग्राम में नर्मदी ब्राह्मण समाज की एक जनसंख्या कितनी होगी जो आपको सपोर्ट करती है? हमारे यहाँ करीब 45 परिवार हैं। 45 परिवार कोदरिया में। और मेरे चुनाव में पूरे समाज के लोग मेरे साथ घूमे, गांव गांव में, पूरे गांव के गलियों में महीने भी मेरे साथ निकली। मुझे तो बहुत गर्व है कि समाज ने मेरा पूरा सहयोग किया। और बहुत बढ़िया, मैं जानना चाहता हूँ, समाज भी जानना चाहता है, एक महिलाओं के पास समय को लेकर बड़ी समस्या रहती है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं घर के कामों में, समाज के कामों में और राजनीतिक कामों में? क्योंकि राजनीति में वर्तमान में आप एक बड़े पोस्ट पर हैं, इंदौर ग्रामीण जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो बहुत सारा समय आपको महिलाओं के बीच में देना पड़ता है। मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरे पास में मेरी सासू माँ भी है जिनकी उम्र 82 के आसपास है, मेरे पापा भी मेरे पास है 80 के आसपास, उनकी भी उम्र है। लेकिन घर का काम करके हम सुबह से उठ के राजनीति में नहीं जाते हैं। पहली बात तो घर का पूरा मैनेज करके, अपने बुज़ुर्गों का काम करके, उनको खाना वाना खिला के फिर हम लोग राजनीति में, जो 12 बजे के बाद का समय रहता है हमारे पास, 5 से 6 घंटे हम वो समय देते हैं और वापस शाम को आके अपना पूरा घर परिवार संभालते हैं। इससे क्या होता है कि घर परिवार व्यवस्थित रहता है, किसी को कोई शिकायत नहीं रहती है। और ये एक दिन का तो नहीं है कि हम उठ के चले जाएंगे,
हम पूरा मैनेज करके ही चलते हैं घर से। जब आप राजनीति में आई उस समय एक सोच लेकर आप आई थी कि मैं देश में ये सुधार होना चाहिए, समाज में ये सुधार होना चाहिए और अगर मैं आगे बढ़ी तो ये परिवर्तन जरूर लेकर आऊंगी, वो क्या ऐसी सोच थी जो नई दिशा दे सकती है? मेरे परिवार में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम 3 बहनें हैं, हमारे घर में भाई नहीं था। तो मेरी मम्मी के और मेरे पापा के मन में हमेशा ये रहता था कि अगर एक लड़का होता हमारा तो कुछ अच्छा काम करता, हमारा नाम रोशन होता। तो उसी विचारधारा को मैंने अपनाया कि मैं अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ाऊँगी कुछ ऐसा करके कि जिससे उन्हें पहचाना जाए कि ये इनके मम्मी पापा है। इसी सोच को लेके मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उतरी हूँ और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि आज मेरे नाम की एक पहचान बनी है और मेरे नाम से मेरे परिवार को पहचाना जाता है। ये तो पिताजी के लिए बड़े गर्व का विषय है, आप तो ठीक है, क्योंकि माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है जब उनको बच्चों के नाम से पहचाना जाए। वर्तमान दौर में आप समाज में क्या परिवर्तन देखती हैं? काफ़ी परिवर्तन आया है, हमारी बहनें पढ़ लिख रही है, बच्चियाँ पढ़ रही है, अच्छे संस्कार है साथ में और महिलाओं में कुछ नया करने की ललक भी है। जहाँ भी हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं समाज के और जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हमारी जो नई नई बहुएँ आ रही है वो भी हर कार्य में आगे आ रही है। उन्हें घर से ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप सामाजिक कार्य करने के लिए मत जाओ। ये एक अच्छी परिवर्तन हमारे समाज में आया है। क्या समाज के कार्यों में आप आगे बढ़ना पसंद करेंगी अगर समाज आपको कोई नई बड़ी जिम्मेदारी दे तो? निश्चित, मैं अपने समाज के लिए जब भी मुझे बुलाया जाएगा, और मैं वैसे भी हर कार्यक्रम में अटेंड करती हूँ समाज का, और जैसी भी मुझे जवाबदारी समाज देगा, जब मैं राजनीति में इतना समय देती हूँ तो अपने समाज के लिए भी निश्चित दूंगी। चुनावी दौर है, एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर आपको महिला महासभा का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप क्या परिवर्तन लाएंगी? निश्चित ही मैं अपने अनुभवों से अपनी बहनों के साथ में मिल के, देखो मैं अकेला चना तो कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा माहौल महिलाओं के लिए है। हमारी जो महासभा की अध्यक्ष थी सुनीता दीदी, उनके साथ भी मैंने काम किया है और मैंने देखा है कि महिलाएं काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है, तो निश्चित ही हम उनको साथ में लेके काम करेंगे। समाज की महिलाओं के लिए या समाज के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? हाँ, मैं समाज की महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि अपना घर का काम करना, एक तो महिलाओं ने ही पूरी प्रकृति की रचना की है, इस चीज़ को महिलाओं को समझना चाहिए कि हम ही एकमात्र वो है जो पूरी प्रकृति को, संसाधन को हमने बनाया है। तो महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। महिलाओं में वो क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो हर किसी का, अपना खुद का भी दुख दूर कर सकती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे महिलाओं के पति बेरोजगार होते हैं तो वो अपना घर चलाने के लिए कहीं खाना बनाना, छोटे मोटे काम करके अपना पूरा घर चला सकती है, उनमें ये क्षमता होती है। तो हम तो नारवदी ब्राह्मण समाज की महिलाएं बहुत अच्छे परिवारों से हैं, अच्छे से हम अपना जीवन व्यापन कर रही हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा समय समाज के लिए निकालें। जो हम 2-3 घंटे दिन में सोते हैं उसको हम मैनेज करके और आगे भी समाज के लिए अगर निकले ऐसे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और महिलाओं का एक जीवन होना चाहिए कि वो अपने जीवन में एक लक्ष्य लेके चले कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हमारी बहुएं जब आएंगी हमारे साथ में तो वो भी हमसे कुछ सीखें कि हमारी सासू माँ ने क्या क्या किया है और किस तरह से वो हमें काम सिखाती थी या कैसे समाज में जाके टाइम निकाल के काम करती थी। ये एक समय का प्रबंधन निश्चित होना चाहिए। एक बड़ी नब्ज पकड़ी है आपने महिलाओं की, सोना दोपहर में। तो खैर, अधिकतर महिलाएं इसका विरोध अवश्य करेंगी क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं। और कुछ बच्चों के लिए अगर आप मोटिवेशनल दे पाएं, क्योंकि आपका बालक जो है आलोक, मैं जानता हूं कि इस्कॉन से जुड़ा हुआ है और इस्कॉन में सेवा दे रहा है, तो ईश्वर के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, वो आपके संस्कार हैं, अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? जीवन में आध्यात्मिक होना भी बहुत ज़रूरी है, हमें ईश्वर ने बनाया है और हम अगर ईश्वर के साथ ही रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। ये मैंने अपने बेटे से ही सीखा है क्योंकि वो पिछले 8 सालों से बाहर है, भुवनेश्वर में PhD कर रहा है IIT से, और वो एक आध्यात्म के सहारे, ईश्वर के सहारे ही अपना पूरा
पढ़ाई लिखाई जो भी वो अपना समय रहता है वो उसमें व्यतीत करके और अपने आप में बड़ा खुश रहता है। जैसा कि आपके पिताजी के बारे में मैं जानता हूँ, श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा यहाँ महू में कोदरिया में बड़े सक्रिय समाज सेवी रहे हैं। बहुत सारे काम समाज के लिए उन्होंने शुरू भी किए, काम किए भी और वर्तमान में भी अपनी सक्रियता निभाते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपकी सामाजिकता या आपकी राजनीति उनसे इंस्पायर्ड है? निश्चित ही उनके संबंधों का लाभ मुझे मिला हर जगह। और जब मैं सरपंच के बाद मंडी चुनाव के लिए आई थी तो उस समय भी मेरे पापा के रिलेशन मुझे बहुत काम आए। मेरे चाचा जी भी यहाँ पर सक्रियता से संघ से जुड़े हुए थे और क्योंकि पापा और चाचा जी दोनों टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइज़र थे तो पहले गांव में मोबाइल और ये सुविधा नहीं होने के कारण ज़्यादातर सब इनके संपर्क में रहते थे, गांव के लोग भी, और ये उनकी हमेशा मदद भी करते रहते थे। तो इस तरह से एक पारिवारिक माहौल हमारा गांव में काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और पापा नारमदी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। 27 सालों से हमारे मऊ क्षेत्र में अन्नकूट समाज का एक हो रहा है और ये शिवराम जी और पापा जी और भार्गव सर और सब ने मिल के चालू किया था और एक कमेटी बना दी थी कि सब लोग घर घर कोई पैसा लेने नहीं जाएगा, एक कलेक्शन सब लोग देंगे निश्चित राशि और उसी से हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। तो वही परंपरा आज तक चली आ रही है। उनके बाद में काफ़ी अध्यक्ष बदले हैं लेकिन उसी तर्ज पे उसी परंपरा पे कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग सब एंजॉय करते हैं। अन्नकूट महोत्सव में महिलाएं भी भाग लेती है, बच्चे भी भाग लेते हैं और जो भी नई प्रतिभाएं होती हैं उनका सम्मान भी उस अन्नकूट महोत्सव में होता है। तो एक समाज उस दिन एक होके और एक दिन समाज के लिए सब लोग निकालते हैं। सरपंच रहते हुए आपने निर्मल ग्राम कोदरिया को दिलवाया, क्या उस समय समाज की महिलाओं के लिए भी कोई रोजगार की व्यवस्था की थी आपने? ऐसा तो नहीं हो पाया था लेकिन भविष्य में कुछ प्लानिंग है? लेकिन हमने उस समय सिलाई क्लास वगैरह और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण जरूर करवाया था। गाँव स्लम एरिया की महिलाएं उनके लिए अगरबत्ती का रोजगार यहाँ पर हमारे कोदरिया में काफ़ी होता है, वो भी हमने चालू करवाया था। साथ ही यहाँ पर चिप्स उद्योग है, उससे भी हमारे समाज के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और चिप्स बनाते हैं वो लोग। चिप्स व्यवसाय भी हमारे यहाँ पर है, आलू चिप्स का निर्माण, तो उसमें भी अपने समाज के काफ़ी लोग रोजगार में उसमें कार्य करते हैं और उन काफ़ी लोगों को रोजगार देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाभी जी, मैं अच्छा लगा समाज आपके विचारों को समझे, समाज आपके विचारों को सुने और जिस प्रकार से आप समाज के लिए एक रोजगार को लेकर भी काम कर रही हैं, आपके क्षेत्र में आपने अगरबत्ती के रोजगार को बढ़ाने में सहायता दी है या चिप्स निर्माण में सहायता दी है। समाज के किसी व्यक्ति को अगर इस एरिया की आवश्यकता है रोजगार में से संबंधित तो आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। नर्मदेहर और ईश्वर माँ नर्मदा जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी सावेर उपचुनाव में भी हम लोग काफ़ी 1 महीने से लगे हुए थे और कल ही हमने एक बहुत बड़ी रैली आखिरी दिन 1 नवंबर के दिन करीब 300 महिलाओं की एक वाहन रैली भी हमने निकाली और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनाने के लिए हमारे उम्मीदवार तुलसी सिलावट जी के लिए काफ़ी अच्छी प्रभावी रही और उससे महिलाओं में बहुत उस क्षेत्र में जागृति आई जहाँ पर महिलाएँ बाहर नहीं निकलती थी। उन महिलाओं ने बाहर आकर हमारा स्वागत किया और हमारे साथ रैली में वो शामिल हुई। तो अगर महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। और मैं अपनी समाज की बहनों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने घर से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपने लिए जिए। धन्यवाद। अपने लिए जिए, बिल्कुल सही। महिलाएं समाज की आगे आए, समाज के काम में अपना हस्तक्षेप दें, समाज के काम में संलिप्तता दें, समाज के काम में गति दें और समाज के साथ, परिवार के साथ, खुद के लिए भी आगे बढ़ें। नर्मदे हर। नर्मदे हर।